हिमालय पर्वत की गोद में बसा एक ऐसा धाम जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। समुद्र तल से लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है बाबा केदारनाथ, जिसे श्रद्धालु शिव का साक्षात रूप मानते हैं। साल के 6 महीने यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। बाबा केदार के दर्शन करने से लोग अपने को धन्य मानते हैं। मैं ऋचा आर्य हूँ, गुजरात कच्छ बुद्ध से आई हूँ और पहली दफ़ा आई हूँ। मैं 5 साल से प्लानिंग कर रही थी तो यहाँ नहीं पहुँच पा रही थी, तो इस बार मुझे इसलिए आना था। एक तो ये हिंदुओं का धार्मिक स्थान है, प्लस मैंने शिव सूत्र पढ़ी थी तो मुझे आध्यात्मिक रहस्य 108 ध्यान की विधियाँ जो शिव ने बताई है, तो मुझे बहुत इच्छा थी कि ऐसे धार्मिक स्थल पर जहाँ पर साधना की गई हो वहाँ पर मुझे जाना है और वहाँ का एनर्जी लेना है, वहाँ का ओरा मुझे लेना है। तो मुझे यहाँ बहुत आध्यात्मिक और भावपूर्ण अनुभव रहा, क्योंकि मैं जब भी आई और मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं रो पड़ी थी, तो मेरा ये भावुक अनुभव रहा है। हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हर बार ओपनिंग और क्लोजिंग के दौरान हमारा बैंड यहाँ पे उपस्थित रहता है, एंड वी आर वेरी लक्की, वी आर ऑनर कि हर बार भगवान की जो पालकी है हम यहाँ से ऑक्यूमेट और ऑक्यूमेट से यहाँ पे लेके आते हैं। एंड आई प्रे टू गॉड वेर एवर जॉन्स आर सर्विंग, गॉड शुड प्रोटेक्ट देम एंड गॉड शुड टेक केयर ऑफ देम। हेलो, मेरा नाम रमीला सुतार है, हम सब राजस्थान से आए हैं और इतना मजा आया भगवान के दर्शन करके, इतना नाच के ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वर्ग में पहुंच गए हो। देहरादून से केदारनाथ धाम की दूरी लगभग 280 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से गौरीकुंड तक पहुंचा जा सकता है। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम 16 किलोमीटर पैदल मार्ग है। जो पैदल चलने में असमर्थ हैं, वे घोड़े अथवा डोली के सहारे बाबा केदार के दर पर पहुंच सकते हैं। देश दुनिया के लोग केदारनाथ में दर्शन करने पहुंचते हैं। उनकी मन्नतें बाबा केदार के दरबार में आकर पूरी होती हैं। श्रद्धालुओं का हुजूम देखते ही बनता है। केदारनाथ से मैं बहुत मानती हूँ ये भगवान को। पिछले 17 में मैं अकेले आई थी, उस समय जब मैं इनकी शाम की आरती को देखा, मुझे अभी भी उस आरती का मन में ही रहता है। कहीं पे भी मैं ये ऐसी आरती नहीं देखी हूँ, इसलिए मेरे दोनों सहेलियाँ मेरे साथ ये आरती और ये डोली के साथ नीचे जाने के लिए हम इस बार आए हैं। Hi, I'm Michelle. I'm from China. It's my first time to come to this temple in Kedarnath. I'm very, very excited I can be here on this special day, Diwali. And after the whole day's effort, we finally climbed to the mountain of the Kedarnath and finally see the top, one of the most top Shiva temple in the world. Because myself, I feel very connected to the Lord Shiva, so I'm very excited. I'm so happy. It's just like I feel so grateful and so blessed I can be here tonight. नमस्कार, मेरा नाम साई जयंत है और मैं दक्षिण भारत से हूँ, आंध्र प्रदेश से। आज मुझे बहुत खास और बढ़िया कृतज्ञता भाव हो रही है कि आज हम केदारनाथ मंदिर आ पाए, वो भी मंदिर की आखिरी दिन पे। ये मंदिर की पहाड़ चढ़ने की जो अनुभव था वो बहुत ही अलग और पुण्य, बहुत ही गहरा अनुभव था। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप भी ज़रूर ये यात्रा करें, आप भी ये अनुभव करें खुद से, आपके जीवन बदल जाएगा। नमस्कार, हम हैं गुजरात से, हम यहाँ दूसरी बार केदारनाथ भगवान के दर्शन करने आए हैं। आप इस बार नहीं आए तो दूसरी बार जरूर केदारनाथ भगवान के दर्शन करें। और हमारा इधर से नीचे 4 किलोमीटर गरुड़ चट्टी आश्रम है और आप जरूर पधारिए और बहुत अच्छा है। बाबा केदार के दर पर सांध्यकालीन आरती का अपना विशेष महत्व है, जिससे मंदिर परिसर भक्तिमय हो जाता है। Thank you.
परंपरा के अनुसार भैया दूज के दिन विश्व विख्यात केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। शेष 6 माह तक केदार बाबा के दर्शन उखी मठ में किए जाते हैं। कपाट बंद होने पर भी यहां सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद होते हैं। हर हर महादेव, बम बम बोले। हम गुजरात से आए हैं, जामनगर जिले से। हम लोग यहाँ से केदारनाथ तीसरी दफा मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जब होना रहा तो इसके बाद में जो भी यहाँ पे हुआ है ऐसी व्यवस्था कहीं पर भी मिली नहीं है। जो यहाँ पे पूरी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था पूरी मिल चुकी है। और आज कपाट बंद होने का लास्ट दिन था तो हम लोगों ने यहाँ पे पूरा मनोरंजन किया हुआ है। और पूरी तरह से हम लोग ने सारा यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो था वो सारा हमने दर्शन वगैरह सब कर लिया। कपाट भी अभी हम देख चुके हैं, वहाँ पे बाबा के कपड़ भी हमने देख लिए, वो भी बंद हो चुके हैं। और आज हम लोग वहाँ से रिटर्न जा रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। हम लोग 16 मेंबर्स केदारनाथ यात्रा के लिए आए हैं। यहाँ पे आके ये मेरा 9th ज्योतिर्लिंग है, मैं दर्शन कर रहा हूँ। फाइन, ये हम लोग बाई फुट ट्रैक यहाँ पे पहुँचे हैं। सो तकरीबन 12 घंटे लगे हमें यहाँ आने के लिए। फाइन, सो भगवान के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रहा है। और एक थिंग नोटिस किया हूँ मैंने, यहाँ के मैनेजमेंट पहले 2013 फ्लड के बाद जो नया रोड कंस्ट्रक्शन किए है वो बहुत बढ़िया किए है। आई एम बिग सैल्यूट फॉर द मैनेजमेंट। जय केदार। मैं झांसी से हूँ, उत्तर प्रदेश से, और मेरा नाम पूजा है। और मैं यहाँ स्पेशली दिवाली सेलिब्रेशन के लिए आई थी। और उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं अभी 3 दिन से यहीं पर हूँ। और एक्सपीरियंस ऐसा है कि आई कांट से वर्ड्स। और आई बिग फैन ऑफ शिवा, आई एम डिवोटी। और इसके बाद आई एम प्लानिंग फॉर नेक्स्ट ईयर फॉर अमरनाथ। जय बाबा केदार की। हम उत्तराखंड बेटी आई एन श्रीनगर गढ़वाल से। और बहुत बढ़िया जी, बाबा केदार की कृपा से पहली बार हम केदारनाथ धाम में पहुँची। सभी सुविधा बढ़िया जी, बहुत सालों के बाद रास्ता में सारी लाइट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है। और रास्ता भी भगवान केदार को 500 मीटर दूर बेटी दर्शन होने लगे हैं, बहुत बढ़िया है। और अच्छा काम होने लगे हैं, सब बढ़िया है। भैया दूज के दिन सुबह 3 बजे मुख्य पुजारी द्वारा मंदिर के गर्भगृह में केदार लिंग की धार्मिक परंपराओं के अनुसार पूजा अर्चना की जाती है। स्वयंभू लिंग को भस्म से ढककर समाधि पूजन भी किया जाता है। बाबा केदार की पंचमुखी भोग मूर्ति को मंदिर परिसर में लाया जाता है। इसके बाद कपाट बंद करने की प्रक्रिया भी पूरी की जाती है। बाबा केदार की चल विग्रह डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ की ओर रवाना होती है। हजारों की भीड़, स्थानीय वाद्य यंत्रों की धुन तथा भारतीय सेना के बैंड की टोली बाबा केदार की डोली की अगुवाई करती है।